मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया और बात भी किया है, तो सर उनको सेफली और वहाँ से बाय ट्रेन हो कैसे अपने आगे बात करके अब उनको सेफली वो बॉर्डर क्रॉस कर लिए और बच्चे हमारे पास तक पहुँचना चाहिए, यही उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया सर। क्या कुछ मंत्री जी की तरफ से कहा गया, आपको क्या जानकारी दी गई, बताया उन्होंने? सर उन्होंने यही बताया कि आपका बच्चे हम लोगों ने कोशिश की कि कोई स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहे हैं, वहाँ से ट्रेन से बाय ट्रेन अपना जैसे हंगरी बॉर्डर में जैसे रोमानिया बॉर्डर तक आपको वहाँ तक सेफली उसको आने दे रहे, फिर वहाँ से बॉर्डर में आने के बाद फिर आपको वहाँ से एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करके आपको सिक्योरिटली उनका गाइडेंस मिल जाएगा, और एक बार अपना बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हर जगह बॉर्डर में जैसे रोमानिया बॉर्डर हो नहीं तो पोलैंड बॉर्डर हो हंगरी बॉर्डर में अपना एम्बेसी से और उधर अपने मिनिस्ट्री भी पहुंचे हुए आपको वहाँ बच्चे के सब सुविधा मिल जाएगी वहाँ से। बिल्कुल तथा जी, आपकी बच्ची जो है खारकी में थी, काफ़ी डिफिकल्ट वो मतलब काफ़ी सेंसिटिव जगह थी जहाँ पे थी, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, और जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से ये एफर्ट डाला जा रहा है जो बच्चे कई आपके बच्चे के साथ कई और भी बच्चे फंसे हुए हैं, आपको आज उनसे मुलाकात की, आपको क्या लगता है ओवरऑल आप क्या कहेंगे जिस तरह गवर्नमेंट बच्चों को लाने की कोशिश कर रही है, उस पर आपका क्या विचार है? सर हमने अभी भी वहाँ उसके कॉलेज में और उनके सीनियर बच्चे भी उनसे भी बात किया है, उनके भी नंबर मेरे पास है, उनसे बात किया है कि जो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में है सेकंड ईयर में वो डरे हुए हैं, वैसे अभी उनको क्या है हॉस्टल के बंकर कुछ ऐसा है, कुछ उनका सीनियर है कुछ ऐसा बम्बरबारी की फायरिंग हो रहा है तो उनको बंकर में लेके जाते, बंकर में लेके जाते जब तक बाहर का माहौल नॉर्मल नहीं हो रहा है तब तक उनको फिर नॉर्मल होने के बाद फिर उनको अपना ऊपर हॉस्टल में लेके आते, अब बच्चे को कुछ अपना कुछ वॉशरूम के हो उसमें कुछ अपना फूड प्रिपेयर के हो, कारण वहाँ खाने का भी इतना क्रिटिकल हो गया है तो अपना फूड जो इन्हें स्टोरेज किया था 2-3 दिन का फूड जो खाने के हो तो वो भी ख़त्म हो चुका है, पानी भी ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए बच्चों को इतना क्रिटिकल कंडीशन में रोना पड़ रहा है को वहाँ से खारकी में इतना कंडीशन क्रिटिकल, इसलिए उनको साथ सेफ्टी दे रहे, कुछ बाहर बच्चे निकल रहे तो जैसे घर होगा तो उसके साथ कम से 3-4 बॉय रहते से अपना सेफ्टी के लिए। सर लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट के एफर्ट्स हो रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर गवर्नमेंट का एफर्ट हो रहे सर जैसे अपने मोदी जी जी अपने बात किए, हम लोग यही चाहते जैसे वहाँ से खारकी से नियरेस्ट बॉर्डर है रशिया, रशिया से भी कुछ बात हो जाएगा तो वहाँ से जल्दी बच्चे बाहर आ जाएंगे बॉर्डर, तो ये लंबा पड़ रहा है अभी आप बच्चे हमारा बच्चे खारकी से रेलवे स्टेशन निकले तो कम से कम 20 से 25 घंटा लग रहे बॉर्डर क्रॉस करने में, बाय ट्रेन भी स्लो चल रही है, ट्रेन का इशू बहुत बड़ा हो रहा है, ट्रेन स्लो चल रही है, इसलिए बस बाकी ठीक है हमारे यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम लोग हमारी बच्चे सब अपना भारतीय के जितने बच्चे हैं अपने वो अपना भारत में सुखरूप हो जाए, ये भी विनती है सरकार से।